हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप लोग के यूनिट वन का ही यूनिट टू का सेकंड टॉपिक है। यूनिट टू का जो फर्स्ट टॉपिक था वो ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसे हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेशन एंड फ्यूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो जो इसमें वर्ड आया है प्रोटोप्लास्ट, उसके बारे में हम देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट बोलते किसको है। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, आप लोग प्लांट सेल के बारे में तो पढ़ते ही होंगे। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब पादप कोशिका, जंतु कोशिका। कभी भी याद रखना कि आपका जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जो सबसे ऊपर की आउटर कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो एनिमल सेल है उसमें जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल नहीं रहती है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में। इसमें पाया जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं। तो आउटर कवरिंग, ये आपके एनिमल सेल की बात बता रही हूं मैं। ठीक है, तो कभी भी जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, उससे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो प्लांट सेल रहता है, प्लांट सेल की सबसे आउटर कवरिंग जो है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। और ये जो सेल वॉल है, ये एक सुरक्षा का आवरण जो है वो प्रदान करती है, किसे, आपके पौधों को। मतलब आपका जो प्रोटेक्शन लेयर एक प्रोवाइड करती है, कौन प्रोवाइड करती है, ये सेल वॉल, किसे, प्लांट के सेल्स को। अब ये जो प्लांट सेल है आपका, जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कुछ ऐसे प्लांट के प्लांट सेल्स होते हैं जिनमें जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वो आपके प्लांट सेल कहलाते हैं प्रोटोप्लास्ट, विथाउट सेल वॉल वाले, सेल वॉल रहित जो होते हैं, विथाउट सेल वॉल वाले जो प्लांट सेल रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपका प्रोटोप्लास्ट। ठीक, अब ये बात हुई कि मेनली किसको बोलते हैं, बोलेंगे अगर प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट इज द सेल विथाउट द सेल वॉल, ए प्लांट सेल विथाउट द सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है ये तो पता चल गया ना, प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं रहता है, हाँ लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। देखिए, जो आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल होती है, वो तो पौधों की कोशिकाओं में, लेकिन उसके बाद जो है, जैसे ये अगर सेल वॉल है तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है, उसके बाद जो है यह साइटोप्लाज्मा आ जाता है, पूरा जो लिक्विड भरा होता है, और इसमें पूरे सेल के ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, और आपका राइबोसोम्स है, ये कुछ जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, जितने भी जो भी सेल और सेल जो ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग जिन्हें बोलते हैं इन हिंदी। ठीक है, तो ये सभी चीजें रहती है आपके यूजुअली प्लांट सेल में, लेकिन अगर सेल वॉल हट जाए और बाकी जो चीजें हैं वो रहे तो वो आपका प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। सेल वॉल जरूर हट जाएगा लेकिन आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसमें उपस्थित रहेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा आपका, और आपके सेलुलर कंपोनेंट्स रहेंगे, जो आपके जितने भी सेल के को अंग रहते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, ये सभी चीजें, बस सिर्फ प्लांट सेल वॉल जो है वो हट जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अब अगर एक ये चीज है कि प्रोटोप्लास्ट हट गया तो क्या ये कुछ काम का नहीं रहा, ये जो सेल है, नहीं ऐसा नहीं है। सेल वॉल सिर्फ हटता है लेकिन ये अभी भी फंक्शनल है, अभी भी ये कार्य करने की क्षमता जो है वो रखता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, बाकी ऑर्गन्स भी हैं, साइटोप्लाज्मा भी है, तो और साथ ही साथ जो आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी है, तो सब चीजें बस है, सिर्फ दीवार ही है जो हट गई है, बाकी जो आउटर कवरिंग है सेल वॉल का वही हट गया, लेकिन अभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एक झिल्ली प्रदान करके उसे आउटर एक कवरिंग करके रखी हुई है, तो अभी भी ये फंक्शनल होते हैं। अगर ये सेल वॉल रहित भी हो जाए, सेल वॉल अगर हट जाए तो भी प्लांट के जो सेल हैं जिन्हें हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं ये फंक्शनल होते हैं। ठीक है, फंक्शनल प्लांट के सेल्स होते हैं लेकिन सेल वॉल बस इनमें उपस्थित नहीं होता है। प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन बी फ्यूज्ड टू जेनरेट अ हाइब्रिड एंड दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर एक वर्ड आया है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, उसे डिस्कस करते हैं।
ये एक प्रोटोप्लास्ट, ये दूसरा प्रोटोप्लास्ट, ये दोनों जो है आपके प्रोटोप्लास्ट हैं, ये अलग स्पीशीज का, ये अलग स्पीशीज का, दो अलग अलग स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को आपने ले लिया। प्रोटोप्लास्ट मतलब विथाउट सेल वॉल वाला प्लांट सेल। अब आपने प्रोटोप्लास्ट ले लिया, अब प्रोटोप्लास्ट को दोनों को यूज करके आपने क्या किया, एक नया प्रोटोप्लास्ट बनाया, दोनों को फ्यूज करवा के, क्रॉस करवा के। जब अलग अलग आपके स्पीश प्रोटोप्लास्ट के, डिफरेंट स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को लेकर फ्यूज करवाया जाता है, जो फ्यूजन कराया जाता है, ठीक है, जिससे फ्यूज कराने से हमको क्या मिलता है, टू जनरेट अ हाइब्रिड, जिससे हम लोग को एक क्या प्राप्त हो रहा है, हाइब्रिड प्राप्त हो रहा है, हाइब्रिड वाला आपका प्राप्त होगा प्रोटोप्लास्ट, या फिर एक हाइब्रिड मिलेगा बोलेंगे। तो उस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके रखेंगे, क्योंकि आगे जाके यही टर्म्स यूज होने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। तो जब मैं बाद में यूज करूं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो कंफ्यूज मत होना कि अरे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं। इसलिए पता होना चाहिए कि दो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज के आपके प्रोटोप्लास्ट को लेकर जब हम फ्यूजन करवाते हैं, फ्यूज करवाते हैं दोनों को, तो जो नया हम लोगों को प्राप्त होता है, नया हाइब्रिड जो प्राप्त होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम हाइब्रिड बना रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाया। इस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की जगह पे अगर मैं एक और वर्ड यूज कर, दूसरा वर्ड यूज करूं, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और आप लोग के टॉपिक में दो चीजें पढ़नी है, एक प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और एक प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किसको बोलते हैं, जब अलग अलग विभिन्न अलग अलग स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को लेकर फ्यूजन कराया जाता है, फ्यूज करा के हाइब्रिड का निर्माण किया जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन। साइब्रिडाइजेशन क्या होता है, साइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, आपका एक आया प्रोटोप्लास्ट, ये एक ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं है, बाकी सब चीजें हैं, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सब चीजें हैं। तो ये आपका क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट हुआ, सेल वॉल बस नहीं है। अब ये प्रोटोप्लास्ट के साथ हम ऐसे सेल का जो है फ्यूजन करवाएंगे जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, नहीं है न्यूक्लियस, बाकी सब चीजें हैं, कोशिका के सभी अंग हैं, कोशिका के जितने पार्ट्स होने चाहिए वो सभी हैं, बट न्यूक्लियस नहीं है। इसमें न्यूक्लियस है लेकिन सेल वॉल नहीं है। तो ये जब क्या करते हैं हम लोग, कि जब हम एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को हम एक ऐसे सेल के साथ, ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, मतलब ये भी आपका प्रोटोप्लास्ट है लेकिन ये ई न्यूक्लिएटेड है, ई न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट है, मतलब ऐसा प्रोटोप्लास्ट जो है, ये आपका, इसमें भी सेल वॉल नहीं है ना, ये प्रोटोप्लास्ट ही है लेकिन इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है। जब हम नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को ई न्यूक्लिएटेड वाले प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूजन करवाते हैं, दोनों को क्या करवा रहे हैं, फ्यूजन करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ साइब्रिड और साइटोप्लास्ट, जिसके फल स्वरूप हम लोगों को क्या मिलेगा, साइब्रिड। ठीक है, साइब्रिड मिलेगा, या तो फिर हम इसे साइब्रिड और क्या बोलते हैं, साइटोप्लास्ट। सब नाम को याद रखना है हम लोगों को, क्योंकि यही नाम आगे जाके यूज होने वाले हैं पूरे प्रोसीजर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और फ्यूजन के अंतर्गत।
ये नाम याद रहेंगे, जैसे साइब्रिड किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किसको बोलते हैं, नाम याद रहेगा तब आगे जाके प्रोसेस जो है समझ आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये नॉर्मल वाला प्रोटोप्लास्ट लिया और एक ई न्यूक्लिएटेड वाला प्रोटोप्लास्ट लिया जिसमें इस न्यूक्लियस नहीं था, इन दोनों को हमने क्रॉस कराया मतलब फ्यूजन कराया, जिसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हुआ, साइब्रिड प्राप्त हुआ। ठीक है, साइब्रिड प्राप्त हुआ, तो साइब्रिड या फिर उसे साइटोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, साइब्रिडाइजेशन। जिसमें हम एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट और एक ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाते हैं, फलस्वरूप हम लोगों को साइब्रिड जो है वो प्राप्त होता है, जिसे हम साइटोप्लास्ट भी बोलते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने इंट्रो दिया है, इंट्रो में मैंने बताया है कि प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, विथाउट सेल वॉल वाला जो प्लांट सेल रहता है उसे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किसको बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को लेकर फ्यूज करवाते हैं और क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है। ठीक, अब उसके बाद मैंने साइब्रिडाइजेशन भी बताया है, जिसमें साइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट और एक ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट को जब हम फ्यूज करवाते हैं और साइब्रिड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को साइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना चीजें आपका इंट्रोडक्शन में था, क्योंकि ये एक पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम लोग इसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे, क्या टाइप्स होते हैं, कैसे होता है, प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है सबसे पहले तो हम लोग इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे, तो इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के बारे में। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या फिर हिस्ट्री, द टर्म प्रोटोप्लास्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1880 बाई हेन्स्टीन। ये जो टर्म है प्रोटोप्लास्ट, जो नाम है प्रोटोप्लास्ट, इस नाम को पहले, इस टर्म को पहले सबसे पहले यूज किया गया था हेन्स्टीन के द्वारा, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1880 में इस नाम को यूज किया, इस प्रोटोप्लास्ट टर्म को यूज किया हेन्स्टीन ने। ठीक है, सबसे पहले तो इसके टर्म को देखें, टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने सबसे पहले उजागर किया, तो 1880 में हेन्स्टीन नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस प्रोटोप्लास्ट टर्म को इंट्रोड्यूस किया। द फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट वॉज अचीव्ड बाई क्लेरकर इन 1892 एम्प्लॉइंग अ मैकेनिकल मेथड। अब जो पहला आइसोलेशन था, पहली बात तो ये आइसोलेशन क्या होता है ये भी जान लो, ये आपका नॉर्मल प्लांट का सेल है, जैसा नॉर्मली रहता है प्लांट का सेल, न्यूक्लियस रहेगा, सेल वॉल भी रहेगा। ठीक है, अब प्लांट सेल से इसके सेल वॉल को अलग करना, आइसोलेट करना, मतलब सिर्फ हमको क्या चाहिए, हमने आइसोलेट करके एक अलग से हमारा सेल बना लिया जिसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, मतलब सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है ही नहीं, गायब है, सेल वॉल को हमने अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। तो ये आइसोलेशन की जो प्रोसेस होती है इसे हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सिर्फ आपका जो प्रोटोप्लास्ट रहता है, मतलब बिना सेल वॉल का जो सेल रहता है प्लांट सेल, उसके बहुत फायदे हैं, उसको बहुत सारी चीजों में यूज किया जा सकता है, इसलिए प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किया गया था। तो प्रोटोप्लास्ट को, मतलब आपका सेल वॉल को हटाना, ठीक है, सेल वॉल को हटाकर सिर्फ प्रोटोप्लास्ट को प्रोटोप्लास्ट बनाना जिसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। तो जो प्रोटोप्लास्ट टर्म था उसे इंट्रोड्यूस तो 1880 में हाइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने किया, लेकिन प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किसने किया ये बहुत मैटर करता है। जो फर्स्ट प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन हुआ था वो किया था क्लेरकर ने 1892 में।
क्लेरकिन नाम के साइंटिस्ट जो है उन्होंने 1892 में फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट किया था, जिसमें इन्होंने मैकेनिकल मेथड यूज किया था। मैकेनिकल मेथड के जरिए जो है इन्होंने क्या किया था, आपका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किया था। अ रियल बिगिनिंग इन प्रोटोप्लास्ट रिसर्च वॉज मेड इन 1960। उसके बाद जो है जो एक्चुअल रिसर्च स्टार्ट हुई प्रोटोप्लास्ट को लेकर कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, ये तो इंट्रोड्यूस कर दिया है एंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने, लेकिन क्या है अच्छे से जानना, किस प्रकार का होता है, क्या फायदे हैं, हम क्यों प्रोटोप्लास्ट बनाए, क्यों हम सेल वॉल को निकालें, लाखों सवाल होते हैं अगर कोई रिसर्च स्टार्ट करता है तो। जो आप किताबें पढ़ते हैं, जो मैं यूसुफ सत्यनारायण की किताब से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इस किताब को बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी रिसर्च किया होगा, बहुत सारी चीजों के बारे में जाना होगा, तभी तो उनको इतनी सारी चीजें पता चली, तब वो एक पूरी किताब लिख पाए। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एक्चुअल में जो बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ कि प्रोटोप्लास्ट के बारे में रिसर्च करना, वो स्टार्ट हुआ था आपका 1960 में, और इन्हें इसे स्टार्ट किया कॉकिंग ने। कॉकिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे वो, हु यूज्ड एन एंजाइमेटिक मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ सेल वॉल। ठीक है, कॉकिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल में रिसर्च करना स्टार्ट किया इस प्रोटोप्लास्ट के ऊपर कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्यों है, क्या है, हम क्या करके आइसोलेट करें, क्या फायदे हैं, हम क्यों आइसोलेट कर रहे हैं, इससे क्या क्या चीजें बना सकते हैं, क्या क्रांति ला सकते हैं, इन सब के बारे में जो रिसर्च एक्चुअल में स्टार्ट हुआ वो क्लॉकिंग ने किया। और इन्होंने कब स्टार्ट किया, 1960 में। ठीक है, 1960 में इन्होंने एक्चुअल रिसर्च जो है वो स्टार्ट किया। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले तो इनका जरूरी था और रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए कि जो नॉर्मल प्लांट सेल है उससे सेल वॉल को अलग करना, आइसोलेट करना, मतलब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करना। तो जो इन्होंने जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने के लिए क्या किया, एंजाइमेटिक मेथड किया। एंजाइमेटिक मेथड यूज किया जिसमें इन्होंने कुछ एंजाइम्स को यूज करके सेल वॉल को आइसोलेट किया प्लांट सेल से। ठीक है, एंजाइमेटिक मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को रिमूव करने के लिए इन्होंने एंजाइमेटिक मेथड यूज किया। उसके बाद जो है रिकेब एंड हिज एसोसिएट्स, रिकेब नाम के साइंटिस्ट थे, रिकेब और उनके जो सहयोगी थे, इन्होंने 1971 में वर सक्सेसफुल टू अचीव द रीजनरेशन ऑफ होल टोबैको प्लांट फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट। 1971 में दूसरे साइंटिस्ट आए। देखिए डेट आगे बढ़ रही है ना, 1880 से 1892, फिर दूसरा साइंटिस्ट 1960, अब 1971 में कौन आ गया, रीबेक और उनके जो सहयोगी थे एटल, मतलब जो साथ में काम कर रहे हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो ये जो हुआ आपका रेबेक साइंटिस्ट जो 1970 में, इन्होंने क्या किया, एक प्रोटोप्लास्ट को यूज किया। ये आपका प्रोटोप्लास्ट है, इस प्रोटोप्लास्ट को यूज करके उन्होंने पूरा प्लांट बना लिया कंप्लीट। पूरा प्लांट बना लिया किसका, टोबैको। टोबैको प्लांट को उन्होंने रीजनरेट किया। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट की सहायता से उन्होंने पूरा टोबैको का प्लांट को रीजनरेट किया। 1971 में रीबेक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें इन्हें जो है सफलता मिली टू अचीव द रीजनरेशन ऑफ होल टोबैको प्लांट फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट। ये बहुत बड़ी सफलता थी, बहुत बड़ा क्रांति लेकर आ रहे, प्रोटोप्लास्ट से पूरा डिस्कवर हो गया भाई, बहुत बड़ी बात है, इतना इजी थोड़ी ना होता है चीजों को करना। तो खलबली मच गई कि अरे अभी तक तो हम रीजेनरेशन नॉर्मल सेल से कर रहे थे, नॉर्मल प्लांट सेल से, इसने कैसे कर लिया। जब एक साइंटिस्ट काम करता है तो दूसरे साइंटिस्ट को
और इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि इसने ये बताया तो मैं इससे और ज्यादा करके दिखाऊंगा। क्यों? जैसे आपका फ्रेंड अगर एक अच्छा परसेंटेज लाता है तो यू ऑल्सो थिंक दैट इसका इतना परसेंटेज आया है तो मुझे इससे 5% 10% ज्यादा लाना है। ओके इन्होंने सिर्फ टर्म यूज किया था हैंस्टीन ने, प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किसने कैसे करेंगे ये बताए ना दूसरे साइंटिस्ट ने। ये एक स्टेप किए तो ये बोले कि मैं दो स्टेप आगे बढ़ूंगा, और इनके दो स्टेप आगे बढ़ने के बाद क्लॉकिंग ने किया 1960 में, और उसके बाद फाइनली इतना सब चीजें देखने के बाद जब जब रिबेक और उनके जो सहयोगी थे बोले कि इन लोग बहुत कर लिए, अब हम एकदम बड़ा शॉट मारने वाले हैं, क्या करेंगे? और उसके लिए उन्होंने प्रोटोप्लास्ट से पूरा प्लांट ही रीजनरेट कर दिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, रैपिड प्रोग्रेस अकर्ड आफ्टर 1980 इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टू इंप्रूव प्लांट जेनेटिक मटेरियल एंड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। अब रिबेक के पूरे जो 1971 में इन्होंने प्रयोग किया और जेनरेट किया टोबैको का प्लांट, पूरा होल प्लांट रिजेनरेट किया। इसके बाद जो है धीरे 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 जो है और रिसर्च हुए, और रिसर्च आगे बढ़ने के बढ़ते बढ़ते जो है 1980 में जो है इतना अच्छा प्रोग्रेस हुआ प्रोटोप्लास्ट के बारे में, जो रिसर्च हुई जितनी भी उसके बारे में जानने के लिए इतना रिसर्च हुआ, इतना अच्छा रिसर्च हुआ कि प्रोटोप्लास्ट को अब हम किसमें यूज करने लगे, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को, जो हम दो प्रोटोप्लास्ट लेके फ्यूजन करवा के नया हाइब्रिड बनाते थे उसे हम लोग यूज करने लगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए और प्लांट जेनेटिक मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए। अगर किसी प्लांट में कोई बीमारी है उसे ठीक करने के लिए, उसका जेनेटिक मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए, या तो फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने पीटीसी पढ़ाया था आप लोगों को।